और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं विकास नगर के कपकोट, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहां की जनता को विकास की सौगातें दी है। कपकोट क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख भाई गोविंद दानू जी, ब्लॉक प्रमुख बागेश्वर, ब्लॉक प्रमुख गरुड़, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय राम सिंह कोरंगा जी, विक्रम शाही जी, गोविंद सिंह टगड़िया जी, संचालन करने वाले चुनाव प्रभारी बागेश्वर भाई दयाल एठानी जी, सुरेश कांडपाल जी, राजेंद्र सिंह परिहार जी, गोविंद सिंह बिष्ट जी, नगर पंचायत अध्यक्ष कपकोट, मनोहर राम जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख कपकोट, एवं मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी नेतागण और इस आज के इस सभा में दूर दूर से आए हुए सभी मेरी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग उपस्थित, मेरे नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो इतनी विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आई हुई सभी देवतुल्य जनता का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ ही हमारे मंचासीन अतिथियों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मुख्य सेवक के रूप में आज इस मैदान पर आकर, इस कपकोट की ऐतिहासिक भूमि में आकर, जहां मैं एक ओर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, वहीं दूसरी ओर आप सभी का प्रेम देखकर भाव विभोर हूं। मैं भावुक हो रहा हूं क्योंकि इस भराड़ी से, कपकोट से, लीति, सामा, आसपास के सभी क्षेत्रों से मेरा बहुत नजदीक का संबंध रहा है। कभी लीति और सामा का जब हॉस्पिटल बन रहा था, मैं उसके शिलान्यास के अवसर पर भी यहां आया था। आज मैं आप सबको इतनी बड़ी संख्या में देखकर, मैं आपको बार बार जितने गर्मजोशी से आप लोगों ने अंदर आते हुए मेरा और आदरणीय भगत जी का, आदरणीय स्वामी जी का स्वागत एवं अभिनंदन किया है, मैं भी हृदय की गहराइयों से शीश झुकाकर, दोनों हाथ जोड़कर आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारी सरकार उत्तराखंड के प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रही है। हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। मुख्य सेवक के रूप में मुझे ज्यादा समय नहीं मिल पाया, जितना समय मिला है मैंने उसका एक एक पल और एक एक क्षण अपने उत्तराखंड के 125 करोड़ भाई बहनों को समर्पित किया है, उत्तराखंड की जनता को समर्पित किया है। हम लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनसे राज्य की प्रगति को सुनिश्चित किया जा सके, राज्य के विकास को आगे बढ़ाया जा सके, राज्य को हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बनाने के लिए उसको कतार में खड़ा किया जा सके। प्रदेश सरकार के एक एक ब्लॉक और एक एक गांव के विकास का प्रण लेकर हम चल रहे हैं और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र में और राज्य में जो डबल इंजन की सरकार है, उसने पिछले 5 वर्षों में पूरे उत्तराखंड के लिए 1 लाख करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की है।